यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से किसी तरह का ऊर्जा आयात बढ़ाए। अमेरिका का कहना है कि हर देश को उन प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए जो अमेरिका ने लगाए हैं। दरअसल अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी से जब सवाल किया गया कि क्या अमेरिका भारत और चीन पर दबाव बना रहा है ताकि वो इन देशों को रूसी ईंधन खरीदने से रोक सके, इसके जवाब में जेन साकी ने कहा, मैं कहना चाहती हूं कि ऊर्जा आयात के भुगतान पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। सभी देश अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। हमने और कई देशों ने भले ही रूस से ईंधन खरीद पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन बाकी देश अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। रूस भारत को रियायती दरों पर ईंधन दे रहा है। खबरों के मुताबिक रूस भारत को $35 प्रति बैरल तक की छूट दे रहा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण डॉलर में व्यापार करना रूस के लिए संभव नहीं है, इसलिए दोनों देश भुगतान के लिए बाकी तरीकों पर बातचीत कर रहे हैं। भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाने के लिए पिछले दिनों अमेरिकी उपराष्ट्रीय सलाहकार दलीप सिंह भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को न बढ़ाए। खबरों की माने तो भारत यात्रा के दौरान दलीप सिंह ने भारत को चेताते हुए कहा था कि अगर भारत रूस से कम दरों पर तेल खरीदता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिका एक तरफ तो भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि भारत रूस से तेल न खरीदे, लेकिन वो खुद रूस से ताबड़तोड़ तेल की खरीदारी कर रहा है। चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसकी जानकारी रूसी सुरक्षा परिषद के उप सचिव मिखाइल पोपोव ने रविवार को रूसी मीडिया को दी। पोपोव ने बताया कि अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी में पिछले एक हफ्ते में 43% की बढ़ोतरी की है। यहाँ सोचने वाली बात है कि अमेरिका की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।